वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ, और आप लोगों के लिए एक सूचना लेकर आया हूँ, क्विक सूचना। हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, काफ़ी लोगों को नहीं पता हो। तो मित्रों, सैमसंग के फ़ोन्स में, मिडिल रेंज फ़ोन में, यानी कि या फिर फ्लैगशिप फ़ोन में जो है एंड्रॉयड 11 में टॉकबैक अपडेट आया है, तो आप उसे अपडेट कर लें। थोड़ा सा जो टॉकबैक में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो कुछ हद तक सुधार दी गई है इन्होंने। तो 12.0.4 वर्जन है इसका, और इसकी है कितनी 23.42 MB का ये सॉफ्टवेयर है अपडेट करने के बाद। और इसको आप अपडेट कर लें, और क्या बोलते हैं उसको, 27 मई को अपडेट हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने कहा आप लोगों को सूचना दे दी जाए जिनके पास सैमसंग के फ़ोन है। थोड़ा सा ठीक हुआ है टॉकबैक, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो चल रही थी मिडिल रेंज फ़ोन में वो भी कुछ हद तक सुधरी है। मैंने चेक किया है, मेरे पास एक फ़ोन है सैमसंग का M31, तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स टॉकबैक अब दे रहा है। तो हाँ, फ्लैगशिप फ़ोन में तो वैसे भी पहले भी सही चलता था, लेकिन मिडिल रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था ये, तो ये अच्छा हुआ कि अपडेट आ गया है। इसी के साथ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेसिव एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी हम इंस्टॉल करते हैं तो वो गूगल वाला टॉकबैक नहीं आता उसमें। तो अब एंड्रॉयड 11 से सैमसंग ने वॉइस असिस्टेंट को टॉकबैक के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया है, मतलब स्क्रीन रीडर आपका वॉइस असिस्टेंट को टॉकबैक में इंक्लूड कर दिया। वो टॉकबैक प्रो के नाम से था पहले, तो अब आप प्ले स्टोर पर अगर इंस्टॉल भी करेंगे एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सूट तो उसको उसमें वो सर आप अपन जाएंगे ना इंस्टॉल सर्विसेज में, जैसे पहले जाते थे तो वहाँ टॉकबैक दिखाता था और वॉइस असिस्टेंट अपन को स्क्रीन रीडर में दिखाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अगर आप एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सूट को इंस्टॉल करते हैं सिर्फ आपको तीन चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, एक तो टैप टू स्पीक, एक स्विच एक्सेस और एक एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, ये चीज़ें मिलती है। बाकी अब जो स्क्रीन रीडर है वो टॉकबैक वहाँ हमारे ऊपर जो, जैसे हम एक्सेसिबिलिटी को खोलते हैं तो सेकंड नंबर ऑप्शन वहाँ मिलता है वहाँ पे। पहले तो जो चीज़ें चालू है एक्सेसिबिलिटी को वो दिखाता है। और आज मैंने एक्सेसिबिलिटी को भी अपडेट किया था, तो आप एक्सेसिबिलिटी को भी अपडेट कर लें तो अच्छा ठीक रहेगा, आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा और कुछ नया अपडेट इसमें आएगा। हालांकि मैंने चेक किया, मुझे तो कुछ खास इसमें लगा नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं की। थोड़ा सा फोकस मोड में प्रॉब्लम थी, वो कर्सर इधर उधर हो जाता था, वो अब ठीक हो गया है, वो अपने सही जगह पे चल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन ट्रिपल फिंगर डबल फिंगर वाले जो ऑप्शन है वो सैमसंग में बहुत अच्छे हैं, उनका पूरा ट्यूटोरियल मेरा बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए और अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। आशा है आपको हमारी बात समझ आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस मैंने कहा छोटा सा एक अपडेट आपको दे दूँ। अब हम आपसे अगले कोई वीडियो मिलेंगे, यानी कि कल देखता हूँ कोई वीडियो, कल क्या देखता हूँ, कल तो वीडियो लाना ही है। तो ये है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।